फ्रेंड्स, खमा गणिसा, गुड मॉर्निंग। तो आज के मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। फटाक से मैं नहा के आ गई। जस्ट अभी हमारे मैम आए हैं ऋषभ को पढ़ाने के लिए और थोड़े बहुत मेरे को कपड़े धोने हैं, हाथ से नहीं, मतलब मशीन से धोने। तो चलो चलते हैं, मैम के पास मिलवाती हूँ आपको। हेलो, हम आपको याद भी कर रहे थे। अच्छा, मेरे को कैसे? एक्चुअली कल ऋषभ का कंप्यूटर का पेपर है और जो कि मैंने पहले बताया था मैं नहीं पढ़ाती हूँ, तो प्लीज आप भैया को कहिएगा, उन्हें बुलाइए और दो चैप्टर है वो पढ़ा देंगे। इसकी वर्कशीट आई है वो सॉल्व करा दे। कल का ही है? बिल्कुल कल का पेपर है। मैं मेरा ईवीएस पढ़ा रही हूँ तो कंप्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भैया की है, तो उन्हें आके कहिएगा वो पढ़ाए। ओहो, ऋषभ पढ़ लोगे ना पापा से? तो आपको वैसे पापा ने पढ़ाया भी तो है ना? एक चैप्टर तो हो गया शायद कम्प्लीट, है ना? एक चैप्टर तो आराम से। ओके, एक चैप्टर पढ़ना है तो मैम ये तो डन है। ठीक है, और अब नेक्स्ट मेरे लिए एक कप चाय बना के ले आइए। ओहो, हमारी मैम चाय के शौकीन है भाई। बिल्कुल, शाम होती मैम को चाय चाहिए एनर्जी के लिए। हाँ, इतने दिन तक क्या पापा मम्मी थे ना तो मैम को अदरक वाली मिलती थी, अब आपको इलायची वाली मिलेगी। कोई नहीं, कल अदरक ले आइए। अरे यार मैम, चलो सबसे पहले मैम के लिए हम बनाते हैं चाय और फिर उसके बाद में काफी सारे बर्तन पड़े हैं ये भी साफ करने हैं, तो फटाफट मैं सारे काम फिनिश कर देती हूँ। फटाफट से मैं बना देती हूँ मैम के लिए चाय और साथ ही साथ मैं बर्तन भी साफ कर लेती हूँ। वो बोलते हैं ना, एक पंथ दो काज, एक टाइम पे मैं दो काम कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है, चाय में दूध वगैरह, चीनी वगैरह, मतलब जो भी सामान वगैरह डलता है वो सारा मैंने उसमें डाल दिया है। अब बस वो पक रही है, तब तक मैं बर्तन साफ कर देती हूँ। साथ ही साथ मैं कीशा को भी देख रही हूँ क्योंकि कीशा है ना मैम और ऋषभ को है ना डिस्टर्ब करती रहती है। मैम की चाय बन चुकी है, साथ ही साथ मैंने पूजा के लिए भी बना दी और ऋषभ के लिए भी बना दी। कीशा हमारी सो गई है और मेरे यहाँ पे बर्तन साफ बस 5-10 मिनट के अंदर होने वाले हैं, बट मेरे को चाय ने सबसे पहले बुला लिया। मैंने सोचा कि यहाँ पे ये आप बोलते हो ना, मेरे पास कमेंट आते हैं कि आप चाय और दूध इतना वेस्ट करते हो, ये वो, नहीं तो अभी और हो जाता अगर मैं पूरे बर्तन साफ करती। तो चलो अब मैम को सर्व करती हूँ। और क्या लेके आना है? नमकीन तेरे लिए? अच्छा, मैम को क्या चाहिए? वो क्या स्नैक्स? क्या? अच्छा, तो इसके साथ नमकीन कौन खाता है यार? है बिस्किट तो मैंने भी सुनाया, आपने नमकीन वाले की सुनाया? अच्छा है पूजा? अच्छा यार, एक बात तो है, उल्टो काम कराओ तो थाकन करवा लियो। आगे सागे बिस्कुट तो चोखा लगे पर नमकीन। अच्छा, मीठे से बोर हो जाते हो क्या मैम? चढ़ के बिस्किट ले लो। बिस्किट ले लो। चलो तो मैम के लिए मोना को बिस्कुट ले लो, वो चरके होते हैं। ढूंढनी पड़ेगी मैम के लिए मोना का बिस्किट। एक सेकंड, ये दाल दे दूँ क्या? दाल नहीं खाते मैम, आलू भुजिया खाते हैं ओनली। आलू भुजिया तो मैम को आज नहीं मिलेगी गाइस। ऋषभ के पापा दे सकते हो आप मैम को, ये वाली चिप्स बहुत अच्छी लगती। कितने दी? हाँ, ये मैम की फेवरेट चिप्स है। वो मुझे पता है क्या, मैम की सेवा मैं करती हूँ जब तू बाहर चले जाती। तो मैम बनाना चिप्स आज एंडिंग है, ठीक है ना? अब आपको अलग क्वालिटी कोई नहीं, आप लेकर आना भैया को। अरे यार, ये बनाना चिप्स की एंडिंग हो चुकी है गाइस। मतलब मैडम भी एक बात है, फुल एंटरटेनमेंट दे है व्लॉग में, बिना एंटरटेनमेंट डाला मैं रखू भी कोनी। अरे यार, रीशा पापा लो भंडारो दे देना मैम ने। तो गाइस, आपको एक चीज दिख रही होगी इस कैमरे में, मिर्ची बड़ा ऊपर। ये एक मिर्ची बड़ा का एक बटको देख, चाय बनाती बनाती एक बटको भी भर लियो। ये उठा जुटी मत करिया कर, देख उठा जुटी क्यों कर करूं, प्लेट बननी खानो है, प्लेट ही खातर बंद करूं के इतना बर्तन तो हो रहा है और 4-5 बर्तन और जैसी। और ए वाला ने तो चलो हमें भी चाय के साथ स्नैक्स चाहिए।
माय गॉड, पूजा को भी चाहिए क्या? ये ले चिप्स। नहीं चिप्स तो मैम ने खुआ। आला ऋषभ को ले लो, ऋषभ को हमारी चाय चाहिए। उन्हें किशो तो नाम छोड़ दिया भाभी। इशू को आज बहुत भयंकर डांटा है उसकी मम्मी ने। हाँ। वो सबक सिखाए के रहेगी रात को। किसको सबक सिखाएगी? मेरे को बोल के सोई है पूजा, मैं सबक सिखाऊंगी मम्मी को। है? मैं बोली ठीक है रात को, तो आपको रात को दिखेगा कि हम कैसे सबक सिखाते। इशा को नहीं, तेरे को। ये है हमारे चिराना का पेड़ा। कितनी बार बताओगी तू? गासी जी मैं प्रमोशन करवा दे मन। तू भी तो प्रमोशन करे चांदनी ज्वेलर स्कोर कर दे को मन मांगा गासी जी हलवाई का पेड़ा को प्रमोशन करवा दे। तो चिराना में कभी भी जाओ या फिर कोई भी आपके रिश्तेदार हो तो ये पेड़ा जरूर मंगाना। रिश्तेदार आगे पीछे होएंगे इसकी जब रेट पता चलेगी। लेकिन लेकिन ये एक ही बच्चा है हमारे इकलौता। तो इसलिए आप इकलौते का प्रमोशन कर रहे हैं हम लास्ट में। अब पता नहीं कब चिराना चाय बच्ची कोई पियो तो पी लो। अरे हाँ, मेरी ऑडियंस को बताऊं तो सही, मैं चाय नहीं पीती, मैंने कभी टेस्ट भी नहीं किया चाय, है ना पूजा? इसने पेड़े बहुत टेस्ट किए। तो घासी जी हलवाई के पास जाना, इंडियन पब्लिक स्कूल के पास घासी जी हलवाई की दुकान है, बहुत अच्छे पेड़े बनाते हैं। तो हो गया प्रमोशन है, फिर काम लाग जा। क्या काम लाग जाओ? बटन साफ कर ले। अच्छा, ऐसे हमारी पूजा भी बहुत काम करती है गाइस। हाँ, एक कमेंट ऐसा आया था कि बुरा मत मानना, आपकी सिस्टर आपके काम में हेल्प नहीं करवाती। नहीं, नहीं, तो प्रीति चल बहुत काम हो जाता है तो पूजा भी करती है काम, पूरा घर सेट पूजा ही करती है। मेरे को किचन का काम करना होता है, मेरे को करने नहीं देती ये काम, कभी काम करने देती है। बर्तन साफ करके मशीन लगाऊंगी गाइस, वो पूजा ही है ना, उसके जो भी कपड़े वपड़े होंगे ना वो पूजा ही उसको सुखाएगी। अच्छा, मेरे तरीको और मेरे पर ही। अभी थोड़ी देर में मिलेंगे हम आपको वॉशिंग मशीन के पास, ठीक है? अब क्या करें, आपको क्या दिखाएं, कपड़े बर्तन ये दिखा सकते हैं पूरे दिन। चलो सा मशीन लगा दे, इतना सारा तो सुबह धो दिया मैं, ये वाले सूख गए थे तो फिर मैं सोच रही हूँ कि ये वाले भी धो देती हूँ। यार मम्मा चले गए ना, तो मम्मा पापा वाली बेडशीट भी उस वाले फ्लैट से लेके आ गई थी, तो ये बेडशीट एक घंटे में धुल जाएगी। आज आपको घर का ही घर का काम मिलेगा गाइस, काफ़ी सारा काम मेरा पेंडिंग चल रहा था तो मैं वो ही करने जा रही हूँ। चलो, ओहो सरफ तो इसमें है। मिर्ची बड़ा पूज ली लेर भागी, तो गले का चावल ही खाना पड़ती, भूख लग रही है तगड़ी यार। जो सास माए ने बेमान बाजरा की रोटी खुआता, सुबह 10 बजे खिला देता, मतलब बना के जब वे बाजरा की रोटी खुआता ना, शाम तक भूख होने लगती, पानी की तीस लगती। अब मैं एक बार पहले ही चावल खा लिया और अभी के बाद में एक वो भी खा लियो हो मिर्ची बड़ो, और अब पाछी भूख लगी। अब मैं सोच रही हूँ गर्म तो कौन ही करा को भी, गले डबड़े ये खा लिया। वीडियो बनाबा के चक्कर में मेरे हठ मिर्ची बड़ो बड़े चेप गई। रानी रानी उठ रहे नहीं हो आप? उज्जो चांद ओहो, हुकुम आया है, हुकुम मेरे मारे हुकुम ने तो टेंशन होगी मुख्यमंत्री की। और बता, कांग्रेचुलेशन। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट टाइम ही मतलब जीते टिकट भी, पहली बार मैडम वो बात करो, अठिन मेरे भी बात कर लियो। मैं मियां कह रहा है कि आज कंप्यूटर थाने पर डालो पड़सी।
कल पेपर नींद अच्छी तो बाद में देख लियो। सिर दर्द क्यों हो था को थे राज्यवर्धन ने मना बचा रहा ने। अच्छा कोई बात को नहीं, नयो आदमी आना चाहिए मार्केट में। ये क्यूटी शो हो गया, ये किसी छूटते है इसको इसे नहीं छूलाना। गलत बात, ऋषा पापा एकदम किशु की नकल करे, एकदम डिट्टो हिल रही है, अब उठेगी अपने पापा के लिए। कितने क्यूट लग रही है चानू चानू मैनू। तो अब लगना पड़ेगा किचन में, क्योंकि ऋषभ के पापा ऐसे बोल रहे हैं मेरा सर दर्द हो रहा है, सोऊंगा जल्दी, तो खाना भी मैं जल्दी बना देती हूँ, सही है ना? ओके चलो लगते हैं किचन में। मैम ने भी ऋषभ को फ्री कर दिया है। मैम फ्री हो गए हैं, मैम ने फ्री नहीं कर दिया, मैम फ्री हो गए। अरे यार कितने घंटे ले लिए आपने ऋषभ के? तीन घंटे ले लिए। हाँ। तो मेरे बेटे को थोड़ा तो जीने दो, बोल रहे कंप्यूटर पढ़ा दो। अभी इसको एक घंटे का रेस्ट दे दो। हाँ। और एक डेढ़ घंटे का रेस्ट दे दो, कंप्यूटर में कोर्स लेंदी नहीं आएगा, वर्कशीट के हिसाब से आएगा। अच्छा थोड़ा सा वो पूछ रहे थे, सुनो थे पूछ रहे ने कि भाई किया समझावा को कह रहे ने समझ को नहीं, सेकंड वो चैप्टर है उसमें करना क्या है। सबसे पहले इन बर्तनों को फ्री कर दूं यार, एक तो हमारी किचन बहुत ज्यादा छोटी है उसकी वजह से यार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे, तो फटाफट से इसे क्लियर करूंगी और आटा लगाऊंगी। और सब्जी मैंने बना ली है पत्ता गोभी की, तो वो ही हम यूज करेंगे। और मुझे कुछ भूख नहीं है, भूख तो क्या नहीं है, मतलब मैंने नमकीन चावल खा लिया है, तो अब मैं फ्री हूँ खाने को लेके। चलो तो रखती हूँ मैं। और एक तो ये कांच वाले है ना बर्तन, से इतने ज़्यादा टूटते हैं, इतने ज़्यादा टूटते हैं, क्योंकि मैं वो मेरे सासू बोलते ना हड़बड़ाहट बहुत करे, कचकलाट बहुत करे, मतलब ये दो तीन चीजें बोलते हैं मुझे मम्मा। यार मम्मा को मिस कर रही हूँ मैं, पता है इस टाइम तक तो हम कहीं ना कहीं बाहर मजे कर रहे होते हैं, और फिर आके हम सब इतने जल्दी जल्दी लग जाते हैं किचन में कि भाई हम तो कहीं घूमने ही नहीं गए। पापा को फटाफट से सब्जी रोटी ये सब ये वो करके इतना फास्ट दे देते हैं हम दोनों, मतलब हमारे किचन का काम है ना यूं हो जाता है, क्योंकि मम्मा है ना जो भी सब्जी वगैरह होती है ना उसको उसकी चॉपिंग वगैरह लहसुन छीलना ये सारी चीज़ें ना कर देते थे। अब है ना चॉपिंग भी मुझे ही करनी पड़ रही है गाइस, एक चॉपिंग वाला काम है ना सच में, वो सब्जी में चॉपिंग वाला काम बहुत ज़्यादा भारी होता है, आपको भी पता ही है। चॉपिंग हो जाती है ना फिर सब्जी तो इजीली छोंकना ही तो पड़ता है बस। चलो गाइस लगती हूँ मैं, और सबसे पहले ऋषभ को और ऋषभ के पापा को दोनों को खाना खिलाऊंगी, फिर उसके बाद में आराम से टीवी देखेंगे। बच्चा तो आप ही ले लो, गोद ले लो, गोद ले लो, कैसे भी ले लो, बड़ा करके छोड़। मैम चले गए आजकल, क्या किशा को नहीं पढ़ाते मैम, पूरा टाइमिंग ऋषभ को ही देते हैं क्योंकि उसके एग्जाम चल रहे हैं, और किशु का भी एनुअल फंक्शन है इसी मंथ में, तो इसलिए इसको कोई होमवर्क वगैरह देते भी नहीं है। तो आटा मैंने लगा लिया है, अब फटाफट से मैं बना देती हूँ चपाती, क्योंकि ऋषभ के पापा बोल रहे हैं कि फटाफट से मुझे खाना खिला दो फिर मुझे नींद आ रही है। तो खाना मैंने तो लगा दिया है, खाना खाओ यशु, ऋषभ आप भी खाना खा लो, आज पहले खाना खा लो फिर ये कर लोगे क्या? चलो ठीक है सॉल्व करो। ओ नो यशविनी, यशविनी सॉक्स नहीं पहनाए, क्या बनाओगी मम्मी को बताओ क्या बनाओगी? अच्छा खाना बनाना यशविनी, बढ़िया बनाओगी, टच मत करना, टच मत करना, बस गरम है गरम, व्हाइट कलर कर दो बस, अब रुक जाओ एक मिनट, व्हाइट कलर कर दो हमारे कलर नमक है जो पूरों की बात, अब आती आती सिखा देगी ना। अच्छा बोलो मम्मी थोड़ी देर बाद में मिलना, हम बनाते हैं सब्जी, तुम जाओ मैं आ जाऊंगी। हाँ तो सबको बोल दो मैं सब्जी बना रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत करो, अभी आ रहा हूँ मम्मी आपके लिए रोटी लेके, बोलो रोटी लेके तुम जाओ, रेस्ट कर लो रेस्ट, ठीक है कदम होगी तू रोटी बना वाली सब्जी बना वाली, न्याली हो जाऊंगी मैं तो, ये खातरी बेटी करी मैं तो, मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा ये मेरा था क्या? सॉरी आपका साफ वाला लाऊंगी, साफ साफ
ये यशविनी किचन में बैठ के हेल्प करवा रही है हेल्प। ये मेरे चांद बहुत काम करे छोटी सी उम्र में। चलो यशविनी उस रूम में चलो। छोटी सी उम्र में बहुत काम कराऊ में फोल्ड भी कर दो सारे कपड़े रख दो ना। पढ़ाई करवा दी गई ने दोन जना मैं सोची दोनों पढ़ाई करा रहे हो। ऋषभ पढ़ लिया कैसा एग्जाम देके आएगा फिर बता मुझे बता। इजी रहेगा कि कंप्यूटर तो है। पापा ने क्या अच्छे से पढ़ाया पूरा चैप्टर हो गया दोनों तो आपकी मैम तो खुशी हो जाएगी ना। बंद करो राजस्थान ने बहुत ही राजस्थान देखे हुआ है। सुबह देखभाल लागो किशु सोजा नहीं अब झापड़ मार दूंगी। चुपचाप सो जा या तो पूजा के पास सोना है तो पूजा के पास सो जा और यहाँ पे सोना है तो यहाँ पे सो जा। अब सोएंगे रात हो गई बहुत भयंकर वाली उठेगी नहीं फिर तू या टाबर सुहाणो टीवी टावी बंद करो। मुख्यमंत्री साहब आज तो जोरदार ही बने हैं। ऋषभ का पापा तो थोड़ा सा दुखी हो गया नाराजगी बा रुक जो आंख निकालूंगी रुको देख जो मेरी आंख से डरते मेरे बच्चे देखना। चुप जाओ ऊपर खड़ी हो। चलो गाइस अब मैं बच्चों को सुलाती हूँ क्योंकि इनको क्या सुबह जल्दी भी उठना है और मुझे भी जल्दी उठना है। आज तो अलार्म लगाना पड़ेगा नहीं तो पापा होते हैं ना तो पापा जगा देते मुझे तो आज मैं अलार्म लगाऊंगी और वो भी ऋषभ के पापा से लगाऊंगी मुझे तो लगाना भी नहीं आता। और मिलती हूँ आपको सुबह मॉर्निंग में नेक्स्ट डे के साथ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय गुड नाइट। अब कीशा को थोड़ा सा मुझे ऑफ कैमरा थप्पड़ मारना पड़ेगा थप्पड़ आजी मेरी चांद प्यार से बुलाऊंगी मेरे चांद को आजो आजी मेरे छोटे से जिम को देखना। आजो आजो हाय छोटी नहीं होती दिशा मेरे पास आजा मेरे पास आजा मेरे पास आजा इधर से आजा आजा इधर से आजा इधर से आजा ले इन हाय छोटी वाली बात कौन बताइए है तो तेरे को क्या हाइट बड़ी चाहिए है यशविनी आपको भी हाइट बड़ी चाहिए कैसी चाहिए आपको हाइट बताओ था के माँ पापा पर जैसी हाइट लंबी मैं कितनी लंबी हूँ पापा भी लंबे हैं आपके मम्मा भी लंबे हैं तो फिर आप दोनों बच्चे भी तो लंबे ही होगी ना। सब बच्चे भी लंबे मेरे से ना प्यार बहुत करती है किशा किशा मेरी किच्ची कर दो जान माँ कहाँ गई माँ गाँव गई। ऋषभ है ना अपनी माँ के पास होता था चिपक के। हाँ, मैं भी जाता हूँ दादू के पास। अकीशु जाती थी अपने दादू के पास। हाँ। दादू को क्या बोलती थी तू दादू को अनु मैम बोलती थी सो गई। हाँ पूरी बातें बताती थी अपने स्कूल की अनु मैम वाली। तो दादू तो गांव चले गए अपन भी जाएंगे गाइस ना थोड़े दिन बाद में मैं और ऋषभ के पापा भी जाएंगे गाँव। ऋषभ के तो एग्जाम चल रहे हैं वो तो नहीं जा सकता बट हम जाएंगे जरूर। हम भाई सबको नहीं के नहीं जाएंगे। हाँ पूजा मासी के साथ ही रहना पड़ेगा। ठीक है गाइस बहुत लंबा कर दिया व्लॉग और एंडिंग कभी करी और दो मिनट और निकाल दिया आपका और दो मिनट और ले ली। वैसे तो आप बोलते रहते हो कि आपके व्लॉग छोटे रहते हैं तो आप बड़े करा करो तो ये बड़ा वैसे ही हो गया। ठीक है बाय करो यशु। बाय गुड नाइट बाय गुड नाइट मिलते हैं। अच्छा के बोले ठीक है यो बत्ते फे, यो बत्ते।